घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के सभागार में सरकारी व निजी अस्पतालों के चिकित्सकों की बैठक ली है। बैठक में विधायक कल्याण ने डॉक्टरों को अस्पताल में आने वाले मरीजों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने कहा है कि यदि किसी मरीज में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर संदिग्ध मरीज को करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेज सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए चिकित्सक अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में विधायक हरविंदर कल्याण ने स्थानीय अस्पतालों के डॉक्टरों को शासन व प्रशासन के सहयोग का आग्रह किया है। आपको बता दें कि इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के कॉन्फ्रेंस हॉल में विधायक हरविंदर कल्याण ने एसडीएम गौरव कुमार व एसएमओ डॉक्टर मुनेश गोयल के साथ घरोंडा के चिकित्सकों की मीटिंग ली। विधायक हरविंदर कल्याण ने चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में लॉकडाउन में कुछ ढील मिल सकती है, ऐसे में अस्पतालों में भी मरीजों की आवाजाही बढ़ेगी। इस दौरान डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को संक्रमण से खुद का तो बचाव करना ही है, साथ ही मरीजों के लक्षणों पर भी ध्यान देना है। यदि कोई मरीज कोरोना संदिग्ध नजर आता है तो स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दें। डॉक्टर संदिग्ध मरीज को करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेज सकते हैं। विधायक हरविंदर कल्याण ने बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संकट की घड़ी में हम सबको एक टीम के रूप में काम करने की जरूरत है। चिकित्सकों की सुविधा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप के माध्यम से डॉक्टर जरूरी जानकारियां साझा करेंगे। इसके साथ ही विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि जिन अस्पतालों में ओपीडी की सुविधा शुरू नहीं की गई है वे ओपीडी शुरू कर सकते हैं। जी विधायक जी, चिकित्सकों की मीटिंग ली गई है, कोई सहयोग और दिशा निर्देश दिए गए किस प्रकार? देखिए, सभी जो गरुंडा क्षेत्र के जो डॉक्टर हैं उनके साथ आज एक ये जो बैठक रखी है और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सबसे एक चर्चा करने की कैसे ये कोरोना के समय में जो स्थिति जो उत्पन्न हुई है इसमें सब एक बहुत जिम्मेवारी के साथ इस समय को गुजारें, क्योंकि डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल समाज के लिए एक होता है और आज का जो समय है इसमें सबसे अगर अहम रोल किसी का है तो वो डॉक्टर्स का और मेडिकल से जुड़े हुए लोगों का है। इनों में जब लॉकडाउन में ढील भी होगी और मूवमेंट उसके बाद बढ़ेगी, उसके बाद भी बहुत से ऐसे एहतियात हैं जो रखनी जरूरी है और अस्पताल जितने भी हैं वो हॉटस्पॉट्स की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए और ज़्यादा जागरूकता रखते हुए और ज़्यादा एहतियात रखते हुए जहां डॉक्टर्स को सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है वहीं उनको आने वाले लोगों के ऊपर नज़र भी रखनी है, उनमें एक जागरूकता भी फैलाने का काम करना है और कोई भी ऐसा संदिग्ध अगर कोई पेशेंट है तो तत्परता से उसकी जानकारी प्रशासन को दी जाए, ये एक बहुत बड़ी एक भूमिका एक जिम्मेवारी की भूमिका ऐसे रहने वाली है। तो ऐसे विषयों पर बहुत सारी ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा हुई है और उसमें किस तरीके से प्रशासन का सहयोग किस तरीके से डॉक्टर्स को चाहिए उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात हुई है कि गरुंडा क्षेत्र के जितने भी डॉक्टर हैं उन सभी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें हमारे लोकल एसडीएम, हमारे एसएमओ, हमारे एसएचओ, हमारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी उन सबको भी इसमें जोड़ा जाएगा ताकि डॉक्टर्स की कोई भी किसी तरह का कोई विषय है, कोई जानकारी है या कोई उनको किसी तरीके की दिक्कत है तो तुरंत उसको साझा किया जाए और उनको अगर कोई तकलीफ है तो उसको भी दूर किया जाए। एज ए टीम सब मिलकर इस समय में ये जिम्मेवारी को निभाएं, उस नाते से आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण। प्राइवेट हॉस्पिटलों की टाइम लिमिट तय की है किस प्रकार से? देखिए, अभी उसके ऊपर भी चर्चा हुई है, अभी सब रेगुलर अपने अस्पतालों में ओपीडी अभी अपनी शुरू करें और समय समय पे जैसे ज़रूरत होगी वैसे समय भी बढ़ाया जा सकता है या संबंधित डॉक्टर से संबंधित और भी कोई ऐसा विषय आता है वो भी अगर कभी कोई चर्चा करके कोई उसमें फैसला लेने की बात होगी तो वो भी फैसला प्रशासन लेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.